रजिस्टर एम्पलीफायर, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई द ऑडियो सिग्नल अक्रॉस द, अब देखो ऑडियो सिग्नल वोल्टेज इन ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, मतलब कलेक्टर के अक्रॉस 3 वोल्ट है वोल्टेज, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम। पहले एक बार बना लो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखो बनाना बहुत आसान है, एक गोला बनाओ, सर्कल बनाओ, और यहाँ से एक एरो बनाओ, और यहाँ से एक एरो खींचो, ऐसे नीचे खींचो, ऐसे एरो दे दोगे तो ये कॉमन एम्पलीफायर, ये इमीटर हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे बेस आ जाएगी, इधर से आई बी आ गई, और यहाँ से एक ऐसे निकालो और ऐसे ले जाओ तो यहाँ से आई सी आ गई, ठीक है। आई बी आई ई जो होता है, आई ई प्यारे बच्चों इन दोनों का सम होता है, आई सी और आई बी का सम होता है आई, तो ये कॉमन। अब यहाँ इधर की सर्किट में क्या होता है, इधर की सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस होता है, और एक ये अब इधर इधर एरो इधर निकाले हो तो ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो एन निगेटिव है और रिवर्स बायस में रहता है, तो निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव प्लस से कनेक्ट होगा, माइनस प्लस और माइनस, और ये इससे आके इधर कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करना, ये जो बेस है ये पॉजिटिव है, बेस और इमीटर एक्टिव रीजन में फॉरवर्ड बायस में रहते हैं, तो ये प्लस है तो इधर प्लस बैटरी आएगा, और यहाँ एक बेस रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस, और ये प्लस है और ये माइनस है, और ये यहाँ से आके ऐसे कनेक्ट हो गया। तो ये बेसिक मोटे तौर पे ऐसे ही है। इधर से मैं आउटपुट ले लूँगा, मैं आउटपुट यहाँ से भी ले सकता हूँ, आउटपुट मैं यहाँ से भी ले लूँगा, चलो यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालना है। कहता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, तो कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये 3 वोल्ट है, ये कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये वाला, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3, यहाँ पर ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा वो 3 किलो ओम लगा हुआ है। इफ द करेंट गेन, करेंट गेन जो होता है वो बीटा, आई सी अपन आई बी होता है, और वो दिया हुआ है 100, ये आई बी अपन आई सी ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों 100 करेंट गेन। कहता है बेस करेंट बेस रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो बेस रेजिस्टेंस ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम दिया हुआ है। द वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन क्या होता है, कितना जो इनपुट सर्किट है इधर का, प्यारे बच्चों इनपुट सर्किट है इधर का, आउटपुट सर्किट है, जो इनपुट सर्किट में हमने वोल्टेज लगाया था आउटपुट में कितना टाइम्स एम्पलीफाई हुआ उस चीज को निकालना है। तो कितना टाइम्स एम्पलीफाई हो, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होता है, वोल्टेज गेन उसको बोलते हैं। तो वोल्टेज गेन जो होती है प्यारे बच्चों, वोल्टेज गेन वो होता है, वोल्टेज गेन को मैं लिखता हूँ करेंट गेन एंड मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। तो करेंट गेन कितना है, रेजिस्टेंस गेन कैसे लिखते हैं, अब यहाँ से तुम लिखोगे रेजिस्टेंस गेन है बीटा और मल्टीप्लाइड बाई करेंट गेन है बीटा और रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन होता है आउटपुट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस ये वाला और डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस दिस वन। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना, बीटा कितना यार 100 टाइम्स, और आउटपुट रेजिस्टेंस देखो यहाँ से दिया हुआ, ये आउटपुट रेजिस्टेंस 3 है और ये 2 है, तो 3 और 3 डिवाइडेड बाई 2, किलो से किलो, किलो ने किलो को, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15, 150 टाइम्स आ जाएगा वोल्टेज गेन वी जी को, इसको मैं लिख देता हूँ वी जी वोल्टेज गेन, इतना वोल्टेज गेन आ गया। अब 150 वोल्टेज गेन ऑब्वियसली देखो, अब दूसरा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा बी ऑप्शन ही मैच कर गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो बट ये है कि पावर गेन निकाल लो, पावर गेन क्या होता है, यहाँ से पावर इज इक्वल टू होता है आई वी, तो पावर गेन जो आ जाएगा वो आ जाएगा करेंट गेन और मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज गेन। करेंट गेन को बीटा से डिनोट करते हैं और वोल्टेज गेन इधर आप निकाले हो 150, ऑब्वियसली जो करंट गेन है वो 100 दिया हुआ है और 150 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 153 टाइम्स 0 इतना आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन
सही है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद